तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो लड़कियों को दिखाते हैं जो कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी फैमिली इतनी गरीब थी कि उन्हें खाने तक को नहीं मिलता था और उनकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। गरीबी के कारण एक दिन उनके डैड ने उन दोनों लड़कियों को गेसिया हाउस वालों को बेच दिया। अगर आपको गेसा का मतलब नहीं पता तो बता दूँ, गेसिया जापान की नर्तिका को कहते हैं जो अपना स्किल और टैलेंट नाच के दिखाती है और सामने वालों को अपने हुस्न के जादू से अपने वश में कर लेती है। उन दोनों लड़कियों में से एक का नाम था चियो, जिसकी आँख बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए उसे गेसिया हाउस की मदर कायो को रख लेती है। जबकि उसकी बहन सात्सु दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसे दूसरी जगह भेज दिया जाता है। चियो अपने बहन सात्सु के साथ ही जाना चाहती थी, पर उन दोनों को अलग कर दिया जाता है, जिससे चियो काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। चियो को एक और लड़की जिसका नाम पम्पकिन था उसके साथ रख दिया जाता है। उस लड़की को भी चियो जैसे उसकी फैमिली ने गेसिया बनने के लिए बेच दिया था। चियो को अपनी बहन के पास जाना था, इसीलिए वो पम्पकिन से पूछती है कि वो यहाँ से कैसे निकल पाएगी और अपनी बहन को कैसे ढूंढेगी। पम्पकिन कहती है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और यहाँ बहुत सारे घर है जिससे तुम्हारी बहन को ढूंढना मुश्किल है। उस गेसिया हाउस में पहले से ही एक गेसिया थी जो कि बेहद ही खूबसूरत थी, जिसका नाम था हात्सो मामू। वो गेसिया हाउस उसी की वजह से चलता था क्योंकि वहाँ उसका टैलेंट और खूबसूरती का बहुत से फैन थी, जिसकी वजह से गेसिया हाउस में कभी पैसों की कमी नहीं होती थी। अगले दिन हात्सो मामू चियो को देख लेती है, जिसे देख के वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि चियो के बॉडी से मछलियों की स्मेल आ रही थी। वो चियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करा करती थी, इसीलिए वो उसे अपने कमरे से दूर रहने का ऑर्डर देती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं तो चियो की देखरेख करने वाली और गेसिया हाउस को भी संभालने वाली लेडी चियो को बताती है कि मदर ने उसे और पम्पकिन को गेसिया स्कूल भेजने का डिसीजन लिया है ताकि वो दोनों भी गेसिया बन सके। एक दिन चियो गेसिया हाउस की सबसे ओल्ड लेडी को खाना दे रही होती है तो वो विंडो से देखती है कि हात्सो मामू एक जवान लड़के के साथ नैन मटक्के कर रही थी। फिर अचानक उसे मदर आवाज लगाती है और हात्सो मामू का कमरा साफ करने को कहती है, क्योंकि हात्सो मामू ने पहले ही चियो को कमरे से दूर रहने को कहा था, इसीलिए वह उसे देख के उस पर फिर से गुस्सा होती है। साथ ही वो उससे कहती है कि तुम्हारी बहन यहाँ आई थी। चियो कहती है कि मुझे मेरी बहन का पता बताइए। इस पे हात्सो मामू कहती है कि इसके बदले में तुम्हें मेरा दिल जीतना होगा, और ऐसा कह के उसे भगा देती है। अब एक दिन हात्सो मामू और उसकी फ्रेंड पार्टी करके घर आते हैं, जहां हात्सो मामू ने वहां की दूसरी फेमस गेसिया जिसका नाम ममेहा होता है उसकी ड्रेस चुरा ली थी। हात्सो मामू ममेहा से जला कर दी थी, इसीलिए वह उसकी ड्रेस चियो से खराब करवा देती है और उसे ममेहा के गेट के सामने भेज देती है। जब मदर को ये बात पता लगती है तो वो चियो को बहुत मारती है, क्योंकि उन्हें ये ही लग रहा होता है कि वो ड्रेस चियो ने खराब करी थी। फिर वहाँ पे हात्सो मामू आती है और वो चियो को उसकी बहन सात्सु का पता बताती है। अब उसी रात हात्सो मामू को किसी के घर जाना था, इसीलिए चियो उसकी सेवक बनके उसके साथ जाती है और मौका पाके अपनी बहन सात्सु को ढूंढने बताई हुई जगह पे चले जाती है। सात्सु उसे मिलती है, पर वो अभी भाग नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास अभी पैसा नहीं था। वो उससे प्रॉमिस करती है कि कल तक वो पैसे चुरा लेगी और उसे एक जगह मिलने को कहती है जहाँ से वो दोनों भाग सके। फिर चियो वापस से घर जाने लगती है, पर रास्ते में वो हात्सो मामू को उसी जवान लड़के के साथ फिर से देख लेती है और वहाँ पे मदर और हाउस सर्वेंट भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के हात्सो मामू चियो की जेब में कुछ पैसे रख लेती है और मदर से झूठ कहती है कि उसने चियो को चोरी करते हुए पकड़ा है ताकि उस पर कोई शक ना कर सके, जिस वजह से मदर चियो को ही मारने लगती है। पर चियो बोल देती है कि हात्सो मामू कोइची नाम के लड़के के साथ थी। ये सुन के मदर हात्सो मामू को एक थप्पड़ मारती है और उसे फिर से कोइची से मिलने से मना करती है। अब अगले दिन चियो वहां से भागने की कोशिश करती है ताकि वह अपनी बहन के साथ भाग सके, पर वह ऐसा नहीं कर पाती और रूप से गिर जाती है। मदर को पता चल जाता है कि वो भागने की वजह से गिरी है, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम्हें अब यहीं रहना होगा क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हें छोड़ के भाग गई, उसने तुम्हारा वेट भी नहीं किया। और फिर उसके बाद वहाँ की सर्वेंट चियो को एक लेटर पढ़ के सुनाती है जिसमें लिखा होता है कि चियो के माँ बाप आप इस दुनिया में नहीं रहे। उस एक्सीडेंट के बाद से ही मदर ने चियो को स्कूल भेजना बंद कर दिया था और उसको एक सर्वेंट की तरह रख लिया था।
ताकि वो उनका अब तक का कर्ज चुका सके। एक दिन अब ऐसे ही चियो उदास होके कुछ सोच रही होती है तो वहाँ पे फेमस बिजनेसमैन मिस्टर चेयरमैन आते हैं जो चियो के देखते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उदास क्यों है, पर चियो कुछ नहीं कहती। फिर वो उसे बर्फ का गोला खिलाने ले जाते हैं जिसे खा के वो बहुत ही खुश होती है। चेयरमैन उसे कुछ पैसे भी देते हैं और फिर चले जाते हैं। बस उस दिन से ही चियो के दिल में चेयरमैन के लिए एक जगह बन गई थी। वह सोचती है कि गीसा बन के बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, पैसे भी और चेयरमैन का साथ भी। उसने चेयरमैन द्वारा दिए गए पैसों से कुछ खरीदा नहीं बल्कि मंदिर के दान पेटी में डाल दिया, इस उम्मीद में कि चेयरमैन उसे फिर से मिलेंगे। अब दिन बीतने लगते हैं और चियो 15 साल की हो जाती है। और फिर एक दिन वो ही फेमस गीसा ममेहा उसके घर आती है। वो मदर से चियो को लेने आई थी। मदर को चियो किसी काम की नहीं लगती है, पर ममेहा कहती है कि वो चियो को पढ़ाएगी और एक गीसा बनाएगी और 6 महीने के अंदर अंदर उसका सारा कर्ज लौटा देगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ममेहा मदर को दुगना पैसा देगी। ये ऑफर सुन के मदर चियो को ममेहा को सौंप देती है। और दूसरी तरफ पम्पकिन के गीसा बनने की जिम्मेदारी अब हात्सो मोमो पे थी, साथ ही वो पम्पकिन को चियो से मिलने से भी मना कर देती है। ममेहा चियो को अपने उन लोगों से मिलवाती है जिनसे उसे पैसे मिला करते थे। वो चियो से कहती है कि एक लड़की को गीसा बनने में 1 साल लगता है, पर तुम इसे 6 महीने में कर लोगी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी और उसकी आंखें झील जैसी थी। वो चियो को हर चीज सिखाती है, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, उसकी बॉडी को और ब्यूटीफुल बनाती है, उसे डांस सिखाती है, उसे हर चीज के लिए रेडी करवाती है जो एक गीसा के पास होती है। वो उसे ये भी सिखाती है कि किस तरीके से किसी आदमी को एक नज़र में अपना बना लूं। और साथ ही ममेहा ने चियो का नाम बदल के अब सयूरी रख दिया था, और अब सयूरी पूरी तरीके से रेडी थी। वो अब एक कंप्लीट गीसा बन चुकी थी, इसीलिए ममेहा उसे अब सभी बिजनेसमैन से मिलवाती है जो पहले ममेहा के क्लाइंट हुआ करते थे। वहाँ सयूरी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है जिसे देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहाँ हात्सो मोमो भी पम्पकिन के साथ आती है जो सयूरी को देख के बहुत ही जेलस फील करती है और उसे धमकाती भी है कि वो उसे बर्बाद कर देगी। सयूरी को अब केयरफुल रहना था क्योंकि हात्सो मोमो उसे सभी क्लाइंट्स के सामने बेइज्जत कर सकती थी ताकि वो पम्पकिन से ज्यादा सक्सेसफुल गीसा ना बन सके। नेक्स्ट डे ममेहा पहली बार सयूरी को चेयरमैन और उसके दोस्त नोबू से मिलवाने एक सूमो मैच के पास ले जाती है, जहां सयूरी चेयरमैन को बहुत दिनों के बाद इतने करीब से देखती है, पर चेयरमैन सयूरी को पहचान नहीं पा रहे थे। और जब सयूरी नोबू से बात करती है तो नोबू को सयूरी पसंद आने लगी थी, इसीलिए वो ममेहा से कहते हैं कि तुम इसे फिर से हमारे पास ला सकती हो। अगले दिन फिर उन्होंने डॉक्टर और चेयरमैन से मिलना था, पर इससे पहले वो डॉक्टर क्रैब से मिलते हैं। ये वहाँ के फेमस डॉक्टर थे जिन्हें भी गीसा पसंद थी। ममेहा जानबूझ के सयूरी के थाई पे चाकू से एक कट लगाती है और डॉक्टर क्रैब से ही वो कट सही करवाती है ताकि डॉक्टर उसकी खूबसूरती पे फिदा होके उसको अपना क्लाइंट बना ले और उस पे सबसे ज्यादा बोली लगा दे। फिर वो दोनों नोबू और चेयरमैन से मिलने जाते हैं, जहां हात्सो मोमो भी आ जाती है और वो सयूरी के बारे में गलत गलत अफवाह फैला देती है कि सयूरी के रूप में मर्द आया करते थे और मर्दों में फिजरमैन भी हुआ करते थे, जिसे सुन के डॉक्टर क्रैब अपना मन सयूरी से हटा देते हैं। हात्सो मोमो के इस झूठ को सही करने के लिए ममेहा सयूरी का एक डांस परफॉर्मेंस रखवाती है जिसे देख के सब बहुत ही खुश होते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। यहाँ सयूरी डॉक्टर क्रैब से फिर से मिलती है और उन्हें झूठी अफवाहों के बारे में बताती है, जिससे शायद डॉक्टर क्रैब अब फिर से सयूरी को पसंद आने लग रही थी। वहीं बैरन नाम का एक बिजनेसमैन भी होता है जो कि ममेहा का क्लाइंट भी था। वह सयूरी को अपने स्टेट पे पार्टी में इन्वाइट करता है। अगले दिन जब सयूरी पार्टी में जाती है तो बैरन उसे प्राइवेट में ले जाता है और एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस देता है और फिर वो उसे अनड्रेस करने लगता है। वो सिर्फ उसे अनड्रेस करके देखता है, उससे आगे वो कुछ नहीं करता। ये बात गीसा हाउस में पता लग जाती है और सब यही सोचते हैं कि अब सयूरी पे कोई भी ज्यादा बोली नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि कोई यूज करी हुई लड़की को क्यों अपनाएगा। पर ऐसा नहीं था, सयूरी ने इतिहास बदल दिया था। उस पे 15,000 येन की बोली लगी थी जो कि डॉक्टर क्रेब ने लगाई थी। और ये सुन के मदर सयूरी को गोद ले लेती है और पम्पकिन को हटा देती है, जिस बात से पम्पकिन को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहां से चले जाती है। मदर फिर हात्सो मोमो को भी हटा देती है। जब सयूरी ममेहा से पूछती है कि उसे किसने खरीदा,
तो हमें पता लगता है कि बेरन ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी और डॉक्टर क्रैब ने उससे कम, पर ममेहा ने सयूरी को डॉक्टर क्रैब के हवाले किया क्योंकि ममेहा बैरन से प्यार करती थी, इसीलिए वो सयूरी को बैरन के पास नहीं भेजना चाहती थी। अब जब सयूरी डॉक्टर क्रैब के घर से वापस से गेसिया हाउस आती है तो उसके कमरे में हादसों मामू होती है। उसको वहाँ चेयरमैन का रुमाल मिलता है जो सयूरी ने ही उनकी याद में रखा था। सयूरी वो रुमाल मांगती है पर वो नहीं देती, वो उस रुमाल को जला देती है और जिस वजह से पूरे कमरे में आग फैल जाती है। उस दिन तो वो आग फैलना बंद हो गई थी पर अगले दिन से ही पूरे जापान में वर्ल्ड वॉर 2 का ऐलान हो जाता है और सभी लोगों को शहर छोड़ के दूर जाने का ऑर्डर मिलता है। चेयरमैन ममेहा को दूसरे सेफ जगह भेज देते हैं और सयूरी को एक ओल्ड मैन के साथ पहाड़ों पे भेज देते हैं जहाँ किमोनो ड्रेस बनाने का काम होता था। जो जगह यहाँ से सेफ थी पर चेयरमैन और नोबू वहाँ नहीं आते क्योंकि उनकी जापान में फैक्ट्री थी जिसे छोड़ के जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। अब एक साल बीतता है और फिर ऐसे ही साल बीतते रहते हैं पर चेयरमैन और नोबू की कोई खबर नहीं आती। फिर अचानक एक दिन नोबू सयूरी से मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि सब लोग मारे गए और हमारी फैक्ट्री भी मिट्टी में मिल गई, लॉस हो गया और अमेरिकन ने हम पे कब्जा कर लिया। वो कहते हैं कि कर्नल डेरिक नाम का एक आदमी है जो मुझे और चेयरमैन को अमेरिकन फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है, पर उसके लिए उसे सयूरी और एक दो और गेसियाओं की हेल्प चाहिए थी ताकि वो कर्नल को रिझा सके। फिर सयूरी ममेहा के पास जाती है जो अब घर किराए पे रख के अपना गुजारा कर रही थी क्योंकि बैरन तो मारा जा चुका था। सयूरी ममेहा को भी फिर से गेसिया बन के चेयरमैन की हेल्प करने को कहती है और साथ ही पंपकिन की भी हेल्प मांगती है जो कि अब अमेरिकन लोगों के साथ थी। वो दोनों फिर गेसिया बन के अमेरिकन और उनकी बाकी टीम के साथ प्लेन में बैठ के उनकी जगह चले जाते हैं। अब रात में स्विमिंग पूल पे वो सब रात का एंजॉय करते हैं जहां पंपकिन कहती है कि हमें सच बोलने वाला गेम खेलना चाहिए। ये गेम ऐसा था कि किसी को अपनी लाइफ का एक किस्सा बताना था और दूसरों को बताना था कि ये किस्सा सही है कि गलत। गेम में जब सयूरी की बारी आती है तो वो अपने और चेयरमैन की पहली मुलाकात की बात करती है, पर बात कंप्लीट होने से पहले ही चेयरमैन पार्टी का एंड अनाउंस करवा देते हैं। इससे पता लगता है कि चेयरमैन सयूरी को पहचानते थे और वो पुरानी बातें याद नहीं करना चाहते थे। फिर जब सब पूल से बाहर निकलते हैं तो कर्नल सयूरी को रोक के उसे प्राइवेट में इन्वाइट करता है पर वो मना कर देती है। ये बात पीछे से नोबू सुन लेता है जो बाद में सयूरी को डांटता है क्योंकि वो सयूरी को किसी और के साथ नहीं देखना चाहता था क्योंकि वो उससे प्यार करता था। पर सयूरी नोबू को समझाती है कि उसने कर्नल से ऐसा कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। सयूरी हमेशा से चेयरमैन से प्यार करती थी और जब उसे पता लगता है कि नोबू उसे चाहता है तो नोबू के दिल में अपने लिए नफरत भरना चाहती थी, इसीलिए वो पंपकिन से कहती है कि वो नोबू को 9 बजे रूम में लेके आए। अगले दिन 9 बजने से पहले ही रूम में सयूरी खुद कर्नल के साथ इंटीमेट होती है ताकि 9 बजे नोबू आके ये सब देख ले और उसको भुला दे। पर पंपकिन नोबू की जगह चेयरमैन को लेके आती है जिससे चेयरमैन वहां से नाराज होके चले जाते हैं। और जब सयूरी पूछती है तो पंपकिन कहती है कि उसने भी आज से कुछ साल पहले उससे गेसिया बनने का सपना छीना था, इसीलिए आज उसने उससे चेयरमैन को छीन लिया। अब नेक्स्ट सीन में मदर सयूरी से कहती है कि तुम्हें कोई क्लाइंट खरीदना चाहता है जो कि ओकाया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है और इसीलिए उन्होंने तुम्हें टी हाउस बुलाया है। जब सयूरी टी हाउस पहुँचती है तो वहाँ उसे चेयरमैन मिलते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि सयूरी ही चियो थी और वो कब से सयूरी को पाना चाहते थे, पर वो सिर्फ नोबू की वजह से ये बात कह नहीं पा रहे क्योंकि नोबू के चेयरमैन पे बहुत उपकार थे। चेयरमैन को ये भी पता था कि उस दिन 9 बजे सयूरी ने वो सब जान के नहीं किया, इसीलिए वो अब अपना सवर का बांध तोड़ते हैं और उसे अपना स्पॉन्सर बना लेते हैं और आज सयूरी यानी चियो को अपने चेयरमैन मिल जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है। तो इस तरह से सयूरी यानी चियो ओकाया की सबसे फेमस गेसिया बनी और उसे अपना प्यार भी मिला। तो दोस्तों, मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही अच्छे मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।